Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to solve question number 4 from exercise 13.1. Chapter is exponents and powers, and the question is identify the greater number wherever possible in each of the following. आपको क्या करना है, जो numbers आपको given है आपको identify करना है कि number में कौन सा number greater है, ठीक है, कौन सा number बड़ा है. आप तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट 4 raised to the power 3 और 3 raised to the power 4. इन दोनों में हमें पता लगाना है. तो एक तो यही तरीका है कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4 की पावर 3 का मतलब है 4 को 3 times लिखना है. और सॉल्व करने पर क्या होगा, ये 4 4 जा 16 16 4 जा 64, और 3 की पावर जब 4 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 3 3 3, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 and 27 3 81. तो हमने देखा कौन बड़ा है, 81, यानी कि कौन बड़ा हुआ, 3 की पावर 4 इज ग्रेटर. तो जो बड़ा है तो आप लिख देंगे 3 raised to the power 4 इज ग्रेटर देन 4 raised to the power 3. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 5 raised to the power 3, विच मीन्स 5 को 3 times मल्टीप्लाई करना है आपको. 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125. ओके, देन अगेन 3 raised to the power 5, आप 3 को 5 times लिखेंगे एंड 5. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 243. तो कौन बड़ा हुआ, 3 raised to the power 5, 243 इज़ ग्रेटर देन 125. तो आप लिखेंगे 3 raised to the power 5 इज़ ग्रेटर देन 5 raised to the power 3. जैसे यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है तो आप भी स्टेटमेंट लिख सकते हो. नेक्स्ट इज़ 2 raised to the power 8, विच मीन्स कि 2 को आपको 8 times मल्टीप्लाई करना है. 4 5 6 7 and 8. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल कम 256. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका होगा 8 की पावर 2, विच मीन्स 8 multiply 8 and 8 8 64. तो कौन बड़ा हुआ, 256, जिसका मतलब हुआ कि 2 raised to the power 8 इज greater than 8 raised to the power 2. So you can write therefore 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2. Okay.